हेलो दोस्तों, तो आज आपको बताऊंगा इस फल के बारे में। अगर आप समझ गए होंगे क्या होगा, अगर नहीं समझे तो बता देता हूँ। ये है विटामिन बी, विटामिन B6 से भरपूर केले का पेड़। और यह घर का केला तो ये अभी पका है, हुआ नहीं है, तो इसको पकने में लगभग मुझे लगता है 1-2 हफ्ते और लगेंगे इस पूरे पेड़ को लगभग पकने लायक। तो इसका पता कैसे लगेगा कि ये पक गया है? ठीक है, तो इसके लिए ये है इसकी पहचान। ये है इसका फूल और इसे चिलम भी बोलते हैं। और ये देख सकते हैं केले का फूल है सबसे छोटा, क्योंकि पहले जब ये होगा तो ऐसे ही छोटे छोटे बनते हुए केले निकले थे ये वाले। ठीक है, तो ये केले भी बहुत बड़े हो चुके हैं, देख सकते हैं। इस पर ऑलमोस्ट 2 दर्जन तक होंगे केले। ठीक है, तो इसी तरह से और भी हैं इसमें, एक ये वाला है और बाकी उस साइड को भी है 1-2। ठीक है, तो और इन पे भी ऐसे ही लगेंगे। और इनकी लाइफ केले की पेड़ की एक टाइम की होती है, एक बार ही फल देता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो मैं बताने वाला था कि ये पता कैसे लगेगा कि पक गया है नहीं। ठीक है, तो इसका मैं बताता हूँ इस वाले पे। ठीक है, तो जो ये इसका चिलम है ये वाला, ठीक है, ये तो देख सकते हैं कि सूखने लगा है। ठीक है, तो जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा ये चिलम ऊपर, इस पर भी लाइक 2-3 दर्जन केले इस पर, तो जब ये पूरी तरह सूख जाएगा मतलब इस पर एक भी पत्ते नहीं बचेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद ये बिल्कुल निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसको डालेंगे पकाने के लिए भूसे में। तो जब ये कटेगा तो मैं बताऊँगा कैसे, और ये भी बताऊँगा अगली वीडियो में कि कैसे इसको पकाते हैं, और पकने के बाद भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये मार्केट के लगभग 2 केले के बराबर एक होगा। अगर मैं ऊपर वाले की थोड़ा लेंथ बताऊं, देख सकते हैं मोटा कितना है। तो अगर आपने कभी खाया हुआ है ये केला तो बताएं अपना एक्सपीरियंस, और अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन्हें पकाया जाता है। देखो वो छोटा है ना, तो उसका चिलम देख सकते कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी